हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिव्यू चैनल। और आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो है एक फेस सीरम। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है मेरी स्किन में पोर्स ओपन हो गया, तो उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। उन्हीं में से ये एक प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जो है सैलसेलिक एसिड का फेस सीरम। जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में सिर्फ सैलसेलिक एसिड ही है जो हेल्प करता है। ये बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में भी होता है, जैसे अलसी में और भी बहुत सी चीज़ों में होता है। बट उतना मैं DIY कर नहीं सकती क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं लगता है। और अभी तो पीछे बरसात चल रहे थे, बीमारियाँ चल रही हैं, वायरल चल रहे हैं, तो इतने उसमें तो कुछ भी नहीं हो पाया। इवन मैं ही कुछ टाइम से फील नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो आपके लिए लेके नहीं आई हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी मैं आपके लिए रेगुलर हो सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और एक मेरी ना वीडियो डालने की ये भी वजह है कि पहले मैं प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहती हूँ, फिर उसका रिज़ल्ट आप एक दो दिन में किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल मुझे 2 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते। ये है NY का सीरम, NY Bae का सीरम, शाइनिंग एज अ सिटकॉम स्टार। आप स्टार की तरह चमकोगे, इसमें ये लिखा है। बट इसकी पैकेजिंग बहुत सिंपल, बहुत सोबर और बहुत अच्छी है। बहुत फैंसी पैकेजिंग तो नहीं है। ये है सैलिसिलिक एसिड और इसमें इन्होंने कोई भी परफ्यूम भी यूज़ नहीं किया है, कोई इसमें महक नहीं है, आर्टिफिशियल महक नहीं है। और ये आपके ब्लैक हेड भी रिड्यूस करता है, डीप क्लिंजर करता है, और ये आपके पोर को भी छोटा करता है। और मेरा छोटा बेटा साथ में दूध पी रहा है और साथ में बाय कर रहा है, तो वो भी सब करता है। और ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। जैसे आप टीनेजर होते हैं तो टीनेजर में भी बहुत एज में है ना, बहुत पिंपल निकलते हैं कई लोगों को, मैं भी उनमें से एक ही थी, तो वो भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ द थिंग गर्ल्स बॉयज़ जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। ये जस्ट 175 का है। और अगर आप purple.com या किसी और .com से लेना पसंद करोगे तो ये आपको ऑनलाइन डील में और भी थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आप ये दे, सबसे अच्छी बात है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ, मैंने ये, मैं बॉक्स संभाल के नहीं रखती, बट आप लोगों के लिए मैंने इसको संभाल के रखा है। ये देखिए, ये इसकी क्या, ये इसके ऊपर कैप लगा था और ये इसके अंदर का जो लिक्विड है उसको सिक्योर करने के लिए इसमें ऐसे आया था, ये आ गया। ये देखिए, ये है। और मैंने इसको जब यूज़ किया 2 महीने में, रेगुलर तो नहीं आप कह सकते क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई, तो इतना ज़्यादा मैं कुछ यूज़ कर नहीं पाई थी। तो जो 2 महीने में, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने यूज़ किया, तो 2 महीने में मेरी स्किन बहुत अच्छी लगी है। इवन आप जानते हैं, जब मैं अपना बड़ा बच्चा लेने स्कूल के जाती हूँ तो सब बोलते तो आजकल बहुत ग्लो कर रही है, बहुत चमक रही है, कौन से पार्लर में जा रही है, बस इतना ही सुन के मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी खुशी बहुत ज़्यादा खुशी दे देती है। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम जब आपको ये कहते हैं ना कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपको बहुत खुशी होती है। सबसे अच्छी बात इसकी है, इसका मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे बहुत जल्दी साइड इफेक्ट होता है, मुझे ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और दूसरा है, ये ऑयल बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड है, जो कि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी। ऑयल बेस्ड बहुत भारी होते हैं और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चिपचिपापन और पता नहीं क्या क्या। मैंने पहले भी एक प्रोडक्ट यूज़ किया था, ये विटामिन सी सीरम, ये देखिए बस एब्जॉर्ब हो गया, ये हो गया, नो इश्यू, दिख रहा कितना अच्छा सा लग रहा है। तो वो वाटर बेस्ड होने के कारण ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑयल नहीं है, तो ये आपके ऐसे नहीं है कुछ टाइम के बाद आपका फेस, जैसे पहले मैंने PVR का किया था तो मैंने उसका आपको रिव्यू डाला नहीं है, बट वो मेरे लिए सीरम बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मैंने इतना कॉस्टली भी लिया था पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि उसको मैं लगाती थी मेरी स्किन चिपचिपी सी होने शुरू हो जाती थी, और उसके बाद वो मेरी स्किन को जो ना ऐसे, उसके ऊपर जब मैं सनस्क्रीन लगाती थी मुझे इतना स्वेटिंग ओवर होता था, मुझे मतलब मेरे जो स्किन प्रॉब्लम थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी उसकी वजह से। तो मैंने उसे नहीं अप्लाई किया इतना, मैंने उस पर आई डोंट नो, उसका प्राइस भी मुझे नहीं याद है और मैंने उस पर पैसे भी खर्चे और मुझे कुछ उसके लिए गुड फॉर नथिंग रहा वो मेरे लिए। इसमें मैं आपको अच्छे इसके मेन पॉइंट बताती हूँ। पहला, ये आपके पॉकेट फ्रेंडली है, 10 ml का है, आप 175 rupees का है, तो आप इसके और भी बहुत से सीरम का रेंज है, आप 175 में 3-4, मतलब 175-1 अलग अलग सीरम का अलग अलग रेंज है, पर इतना ही है, इससे ऊपर नहीं है, 200 से ऊपर कोई नहीं है। तो आप 2-3 तरह के सीरम अप्लाई ट्राई कर सकते हो। मैंने एक और ट्राई किया, मैं उसका रिव्यू बाद में डालूंगी। दूसरा, ये बहुत
मतलब मुझे इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ईजी टू अप्लाई रहता है, आपको वो निकालने में एक्स्ट्रा निकल गया प्रोडक्ट ऐसा कोई फंडा नहीं रहता है। तीसरा ये पॉकेट, जैसे आप इसको ट्रैवल फ्रेंडली कह सकते हो, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। और चौथा ये ऑयल बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड है। और पांचवा ये मुझे इतना पसंद आया कि मुझे इसमें और कोई खूबी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने के बाद जब वो अपना फेस में ग्लो देखोगे आप 1 2 3 4 5 काउंटिंग करना भूल जाओगे। तो मैं ये कह सकती हूँ ये मेरे लिए तो 5 out of 4 4.5 star है मेरे लिए। हाफ स्टार क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती, जैसे मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको 4.5 star दूंगी, बहुत अच्छा है। 175 में NY Bae का है, इट्स वेरी वेल नोन ब्रांड इन US, आप बहुत अच्छे से, ये ब्रांड बहुत फेमस है। और बस आज के लिए तो इतना ही मेरी तरफ से। जो भी यंग गर्ल हैं, यंग बॉय हैं, जो अपने लिए सीरम ट्राई करना चाहते हैं, जिनको पिंपल, ब्लैक हेड्स, एक्ने ये प्रॉब्लम है, और वो भी इसको ट्राई करके देखो, क्योंकि कॉलेज टाइम पे पॉकेट मनी के हिसाब से चलना पड़ता है, वो थोड़ा कम मिलता है, तो ये उसके लिए भी मैनेजेबल है और पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। सो या गर्ल एंड बॉयज़, गो एंड चेक इट आउट, इसको ज़रूर यूज़ करो और फिर मुझे अपने रिव्यू, अच्छे अच्छे रिव्यू या जैसे भी रिव्यू है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और लाइक तो कीजिए, जितने लोग देखते हैं उतने से आधे भी लाइक करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।